मुझे पता है आप सबके सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंधकार छाया हुआ है और ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम सब हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बड़े से बड़े पढ़ाकू स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं और है भी, वो सबके सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सबकी लगी पड़ी है। तो किया क्या जाए, कैसे अपने दिमाग को ठंडा रखा जाए। वेलकम टू विजन एमबीए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट व्हेन देर इज नो क्लैरिटी अबाउट एनीथिंग, नॉट जस्ट एग्जामिनेशन बट ऑल्सो लाइफ, करियर एंड इवन योर लव्ड वंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अक्सर हम लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं, खासकर एमबीए के या जो भी होते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आप ये पढ़ लें या फोकस्ड रहें और ये रहें वो रहें, और स्टूडेंट्स हमसे कुछ जवाब जानना चाहते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये कि जिस तरीके से तुम कंफ्यूज होते हो, जिस तरीके से तुम घबराते हो, उसी तरीके से हम भी घबराते हैं। हम सारे फैकल्टीज, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, ट्रस्ट मी, इवन आई एम अ ह्यूमन बींग, मैं भी घबराता हूँ। बट देन बात ये नहीं है कि हम घबराते हैं, बात ये है कि कैसे हम खुद को संभालते हैं, कैसे हम खुद को सही रास्ते पे रखते हैं। मैं आपसे अपना एक फंडा शेयर करता हूँ। लास्ट जब लॉकडाउन हुआ था, ऑफ कोर्स अब तो अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है और क्या पता अभी और स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग के कुछ महीने, 1-2 महीने या 2 महीने में बहुत इंथूजियास्ट था कि चलो ऐसा होना चाहिए, अब सही हो जाएगा। लेकिन वो 2 महीने कब, 4 महीने हो गए, कब 8 हो गए, अब तो 1 साल के ऊपर चला गया ये बात, और क्या पता इस साल भी वही हाल होगा, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, नो बडी नोज क्या होगा। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो सही निकल गया, उसके बाद में मैं पागल होने लग गया। आई ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड, मुझे कोरोना भी हुआ, मेरे घर पे हर एक इंसान को कोरोना हुआ। बट देन एट दैट टाइम व्हाट आई डिड टू कीप माई सेल्फ सेन, आई डिड जस्ट वन थिंग, आई बिलीव्ड इन वन थिंग कि हाँ भाई सही होगा। मैं जानता हूँ कि ये बोलना आसान है और करना बहुत मुश्किल है, बट वही तो बात है, करना है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप अपना दिमाग किसी ऐसी चीज़ में लगाएं जिससे आप खुद को इन्वॉल्व करें, किसी और चीज़ के बारे में सोचें। आप रीड करना शुरू करें, नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दें, ड्राइंग करें। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दी, उन्होंने अपने पेंटिंग्स के एग्जीबिशंस करके ऑनलाइन उन्होंने सेल करना शुरू किया है। आई नो मैनी पीपल दे हैव स्टार्टेड बेकिंग, आई नो देर आर मैनी पीपल दे हैव स्टार्टेड डांसिंग, योगा, गॉड नोज वॉट। इवन आई ऑल्सो स्टार्टेड समथिंग न्यू, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली इमोशनली, तो कुछ किया जाए। लास्ट ईयर आई वॉज थिंकिंग, बट देन आई वॉज प्रिटी श्योर कि जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मुझे इसे एक अपने एजुकेशन के बिजनेस पे ही फोकस करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अब पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, ऑफकोर्स दैट इज देयर, बट आई मस्ट डू समथिंग इन दिस डायरेक्शन टू। वी ऑल हैव समथिंग गुड इन अस, ऊपर वाले ने हम सबको कोई ना कोई पॉजिटिविटी दी है। अब वो आप जानते हो, मे बी शायद आप बात करने में अच्छे हो, मे बी शायद आप ड्राइंग करने में अच्छे हो, मे बी आप डांस करने में अच्छे हो, मे बी आप शायद फिटनेस में अच्छे हो, आप किसी ना किसी चीज में होते हो, तो प्लीज उस चीज में इन्वॉल्व हो, अपना दिमाग फ्री रखें। और सबसे बड़ी चीज, ये वर्बल का फैकल्टी कह रहा हूं, हिंदी में ऑफकोर्स आई मेक वीडियोज बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच मासेस, न्यूज देखना बंद कर दें, न्यूज़ देखना बंद कर दे। न्यूज़ में वो लोग डराते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी कभी वो सही तरीके के लिए भी करते हैं, कभी कभी गलत तरीके के लिए भी करते हैं। रीड करे ज़्यादा, देखे कम, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़। बट खैर, प्रिंट मीडिया भी उतना ही इन्फ्लुएंस करता है जितना कि विजुअल मीडिया है। सो आई सजेस्ट दैट प्लीज़ डू दैट, ट्राई टू, आपके पास पेट होगा, पेट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अगर पेट नहीं है, कई लोग होते हैं घर पे बोलते हैं कि तू है तो पेट की क्या ज़रूरत, मेरे घर वाले भी यही सोचते हैं मेरे को लेके, मजाक जोक सपाट, वाई डोंट यू पेट अ प्लांट, तुम्हारे घर में छोटे मोटे पौधे होंगे, उनका ख्याल करो।
इन्वेस्ट योर टाइम इन डूइंग समथिंग क्रिएटिव, ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट कीप्स यू अबव, मतलब इस बुरे वक्त से बाहर निकलने के लिए एक होप पकड़ के रखो। इस साल वैक्सीनेशन आ चुका है और धीरे धीरे वैक्सीनेशन हो भी जाएगा, तो आई होप सब लोग इंजेक्शन लगवा लेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। होप पे तो दुनिया गया है दोस्त, तो उसी चीज़ को लेके मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और आपसे बात की जाए। विजन MBA में ऑफ कोर्स आई टीच यू गाइस फॉर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फॉर GDPI पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड व्हाटएवर इन दैट डायरेक्शन, बट देन हार्ट एंड माइंड करके एक मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च अ यूट्यूब चैनल देयर वेर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो इफ़ यू वॉन्ट, यू गाइज कैन कम एंड टॉक टू मी, यू गाइज कैन टॉक टू समवन एल्स। अब लोग बोलेंगे सर हम किससे बात करें, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सब लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी ओला उबर की होगी, तो आपने देखा है कि आप ड्राइवर से बात करना शुरू कर देते हैं और उससे आप ऐसी ऐसी बातें शेयर कर लेते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। पता है क्यों? बिकॉज यू आर नॉट फियर्ड ऑफ बीइंग जज्ड। सो फाइंड समवन हु यू कैन टॉक टू विदाउट बीइंग जज्ड। फाइंड समवन दैट समवन इज रेडी टू लिसन टू यू, नॉट टू जज यू। मे बी दैट पर्सन कैन नॉट हेल्प यू और गिव एडवाइस, बट एटलीस्ट जस्ट लिसन टू यू। फाइंड दैट पर्सन अराउंड यू एंड डू दैट। नए दोस्त बनाने के लिए पुराने दोस्तों को मत छोड़ दो। नए दोस्त बनाओ लेकिन नए दोस्तों के लिए पुराने दोस्तों को मत छोड़ दो। कई लोग होते हैं जो नया बॉयफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड या नए रिश्ते बना रहे हैं और पुराने वालों का क्या? जब तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हें अपने अपने लोगों की, तो तभी उनका तुम हाथ छोड़ रहे हो। गाइज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू थिंक। तुम यंग हो, तुम एनर्जेटिक हो, वाई डोंट यू कीप योर हेल्थ इन शेप? क्यों बेड पे पड़े पड़े सड़ रहे हो? कुछ करो, अपनी सोसाइटी के लोगों से मिलो जुलो, ऑफकोर्स सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। वाई डोंट यू हेल्प ईच अदर आउट? क्या पता ये ह्यूमैनिटी का टेस्ट है? क्या पता ऊपर वाला देखना चाहता है कि मैंने कचरा बनाया है कि कुछ है इनमें? और ये मुसीबत भी ऊपर वाले ने नहीं बनाई, हमने ही बनाई है। वी आर द पीपल who made this shit and we are the people who are struggling and we are the people, some of us, making money on this issue of or disparity of the humans. So guys, please don't do that. मुझे नहीं पता कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, मुझे नहीं पता कि कितने लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे, बट मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनता है इसके ऊपर। बात रही मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, दिन में आधा घंटा पढ़ो, ठीक है यार, कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। So, I sign off. I do not have much to speak more than this. But then yes, I will leave my contact details in the description box just like that every time when I say. And if there is anyone who wants to get in touch with me and talk to me about anything, please do so. Help someone. And if you cannot help someone, do not be a pain in someone's dash. Signing off, this is Ashish. Take care.